नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज 12 राशियों के बारे में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। राशि का जब राशि चक्र हमारे लगन में बैठ जाता है, लगन पत्रिका जिसको हम बोलते हैं, लगन चार्ट बोलते हैं, तो हम उस राशि के अनुरूप आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए उत्तम रहेगा। पहले ही राशि होती है मेष राशि। अगर लगन में मेष राशि बैठी है तो स्वामी मेष राशि के होते हैं मंगल और उनका रत्न होता है मूंगा। अब मुख्य बात जो बताने की कोशिश मेरी है कि पहला, लगन को मजबूत करने के लिए राशि रत्न धारण किया जा सकता है। कोई कमजोरी है, कोई दिक्कत है, कोई मानसिक रूप से परेशानियां हैं, तो आप उस राशि जो बैठी है लगन में उसका रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा होता है पंचम भाव, बड़ा मुख्य भाव होता है, इसको धर्म त्रिकोण बोला जाता है, 1, 5, 9। तो पांचवें भाव को बहुत उत्तम हम महत्व देते हैं। बच्चों का भाव है, शादी का, विवाह का, एनर्जी का, हायर एजुकेशन का, हर तरह से ये बहुत ही सुंदर भाव है, इसमें मजबूती चाहिए होती है। अगर 1, 5, 9 के भाव आपकी पत्री में उत्तम है तो आपकी लगन बहुत अच्छी मानी जाती है। नवा भाव को बोलते हैं हम भाग्य भाव। भाग्य भाव के अंदर भी हम भाग्य का रत्न धारण करने के लिए कहते हैं। तीनों रत्न एक साथ धारण नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि जो जैसे मित्रता होती है, शत्रुता होती है, ऐसे ही ग्रहों में भी मित्र ग्रह होते हैं, शत्रु ग्रह होते हैं। मित्र और शत्रु ग्रह का एक साथ हमने अगर रत्न धारण कर लिया तो लाभ की जगह वो नुकसान कर जाता है। तो इसलिए मेष का पंचम भाव में जो राशि बैठी है वो सिंह राशि है, और सिंह राशि का जो रत्न है वो माणिक्य है। तो और नवें भाव के अंदर धनु राशि बैठी है, और धनु मीन्स बृहस्पति, उनका रत्न होता है पुखराज, तो धारण कर सकते हैं मेष राशि वाले। वृषभ राशि 2 नंबर राशि होती है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं और इनका रत्न होता है हीरा। पांचवें भाव के अंदर जो राशि बैठी है उसको हम कन्या राशि बोलेंगे, उनका रत्न पन्ना, बुध की राशि होती है। और नवें भाव के अंदर मकर राशि बैठी है और शनि की राशि है, तो नीलम उत्तम रत्न रहेगा, शनि का पहना जा सकता है। तीसरे राशि होती है मिथुन, अगर वो आपके लगन में शुरू हो गई, यानी 3 नंबर लिखा हुआ है आपके लगन में, तो आप मिथुन लगन के जातक हैं और स्वामी बुध है, तो आपके लिए पन्ना उत्तम रहेगा। पंचम भाव के अंदर तुला राशि आ गई, तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, हीरा उत्तम रह सकता है। और उसके बाद नवे भाव के अंदर कुंभ राशि आ गई शनि की, तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। चौथी राशि कर्क है, स्वामी चंद्रमा है, अगर ये लगन में है तो आप मोती धारण कीजिए। पंचम भाव के अंदर वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, मूंगा धारण कर सकते हैं। नवे भाव के अंदर मीन राशि है, पुखराज उत्तम रहेगा मीन के स्वामी बृहस्पति के लिए। पंचम राशि होती है सिंह, अगर आपकी सिंह लगन है तो आप सूर्य से प्रभावित हैं और सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, धारण कर सकते हैं। पंचम भाव के अंदर राशि आ गई आपकी धनु, धनु के स्वामी बृहस्पति, और इसी अनुरूप आप पुखराज धारण कर लीजिए। नवे भाव में आपके बैठी है वृषभ मेष राशि और मेष के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल के लिए आपका मूंगा है। वीडियो के अंत में मैं कुछ बात करूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए। छठी राशि आती है कन्या। कन्या बुध से प्रभावित, बुध का रत्न होता है पन्ना, लगन आपकी बुध से प्रभावित होगी तो पन्ना धारण करें। पंचम भाव के अंदर मकर राशि आ गई, शनि से प्रभावित है, नीलम धारण किया जा सकता है। और पंचम भाव के अंदर वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, हीरा धारण कर सकते हैं। सातवीं राशि तुला होती है, अगर आपके लगन में तुला है और शुक्र से प्रभावित हो गए तो हीरा आप धारण कर सकते हैं। पंचम भाव के अंदर कुंभ राशि है, शनि की राशि है, तो नीलम धारण कर लीजिएगा। और पंचम भाव के अंदर मिथुन है, बुध से प्रभावित, पन्ना धारण कर सकते हैं। वृश्चिक, अगर आपकी लगन है मंगल से प्रभावित है तो आप मूंगा धारण कीजिए। पंचम भाव के अंदर मीन राशि है, पुखराज धारण कर सकते हैं। और
जो नवम भाव है उसमें कर्क राशि है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं, चंद्रमा से प्रभावित राशि होती है। नवी राशि होती है धनु, धनु बृहस्पति से प्रभावित है, बृहस्पति उनके देव होते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर आपका लग्न 9 नंबर लिखा हुआ है, पंचम भाव के अंदर घूम के देखेंगे तो मेष आएगी और मेष राशि के स्वामी मंगल, मूंगा धारण कीजिए। पंचम भाव के नवम भाव के अंदर सिंह राशि है, सूर्य से प्रभावित है, माणिक्य धारण किया जा सकता है। दसवीं राशि मकर होती है, बहुत सारे लोग मकर लग्न के होते हैं, मकर मींस शनि की राशि, नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। आपके पंचम भाव के अंदर 2 नंबर राशि आती है जिसको वृषभ बोलते हैं, शुक्र से प्रभावित है, हीरा धारण कर सकते हैं। और आपकी नवे भाव के अंदर राशि आती है कन्या, बुध से प्रभावित है, पन्ना धारण किया जा सकता है। ग्यारहवीं राशि कुंभ की होती है, शनि की राशि, नीलम धारण कर सकते हैं लग्न में अगर कुंभ है। पंचम भाव के अंदर मिथुन राशि आएगी बुध की, तो पन्ना धारण कर सकते हैं। और नवे भाव में तुला राशि, शुक्र की, हीरा धारण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम राशि होती है मीन, मीन राशि अगर आपकी लग्न में है तो बृहस्पति आप किससे प्रभावित राशि है, पुखराज धारण कर सकते हैं। पंचम भाव के अंदर कर्क राशि है, चंद्रमा की, मोती धारण कीजिए। और नवे भाव के अंदर वृश्चिक राशि है, शनि की राशि है, तो मूंगा धारण किया जा सकता है। दोस्तों हम जो बात मुख्य बात आपसे कहना चाह रहे हैं, ये एक जनरल मैंने आपको बात की है, जिनको बहुत कुछ नहीं पता, सिर्फ राशि किसी से पूछ के पता लग गई या नाम अनुसार लग्न निकालने का एक तरीका किसी ने निकला हुआ है, ज्योतिष की है ये भी विधा। लेकिन अगर आपको पता है, लग्न आपको सामने बैठी है, आपने देखी है, और उस भाव में जो मैं बोल रहा हूं पहले भाव में नीच की राशि बैठी है जो, और जो स्वामी बैठे हैं, जो राशि है वो प्रताड़ित है दूषित ग्रहों से, शनि की ऊपर क्रूर दृष्टि है या और इस तरह से वो अच्छे प्रभाव वाली राशि नहीं है, ऐसी पंचम भाव आपका विकृत है, यानी उसके अंदर जो राशि बैठी है उसके नीच भाव की राशि है। और इसी तरह अगर आपके भाग्य भाव में भी नीचता नजर आ रही है राशि अनुरूप, नीचता मतलब होती है कि कोई राशि स्वामी, कोई ग्रह अपने नीच राशि में बैठ जाए तो वो प्रभाव अपने खराब देता है, अच्छे प्रभाव नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी रत्न धारण करें। हमेशा रत्न धारण वो करिए जब इन तीनों भावों के अंदर आपकी उच्च की राशि बैठी हो, अपनी भाव की राशि बैठी हो, तभी वो फायदा करता है। अन्यथा रत्नों की जगह यंत्रों का प्रयोग करें, दान दक्षिणा का करें, तो उनके दूषित फल दूर हो जाते हैं। दोस्तों आप हमारा चैनल देखते हैं, पसंद आता है, अच्छा लगता है, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे निवेदन तो बनता है, और ऊपर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप चाहें तो मैं आपको एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर दूंगा, राशि नहीं पता वो भी बताने की कोशिश करूंगा। कोशिश कीजिएगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी बात हो लिखित में करें और मैं आपको वॉइस मैसेज से उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमो नारायण।